बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। चाहेंगे आज गौरव, जिस तरीके से हालात देखा जाए देश के और कोविड को लेकर के, आज एक दूसरे पे मदद के सहारे के अलावा कुछ नहीं है। और गौरव ट्रस्ट आज लोगों की मदद कर रहा है, साथ ही साथ सबसे पहले अपने एनजीओ से रिलेटेड जो है, जो आज कहा जाता है कि थर्ड जेंडर हो, जिस जैसे भी नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उनको सबसे पहले गौरव आके सामने मदद कर रहा है राशन किट से बांट कर। सबसे पहले नमस्ते सभी लोगों को, मैं नागपुर शहर से आलिया किन्नर बात कर रही हूँ। ये गौरव ट्रस्ट है, गौरव ट्रस्ट की तरफ से आज हमको जो किट मिली है वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की तरफ से मिली है, तो हम उनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हमारी अभी इतनी कोविड की परिस्थिति में इतनी ख़राब है, सभी लोगों की है, वैसे आम आदमी आम इंसान लोगों की भी है, ऊपर से हम जो किन्नर लोग हैं हमारा तो काम धंधा सब बंद है, तो जो इन्होंने किट दिए है तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी बस। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का, उन्होंने हमको किट दिए। हम सभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को धन्यवाद करेंगे, बस उन्होंने इतनी हमारी हेल्प की है इसलिए। हम भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को और ये गौरव ट्रस्ट को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, पूरे कोविड के पीरियड में हमारी मदद की उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। हम भी थैंक यू करना चाहेंगे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और गौरव ट्रस्ट को हमारी हेल्प करने के लिए। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, और इसके अलावा और क्या मदद एनजीओ आपका दे रहा है, अगर मुंबई की बात किया जाए, चाहे नागपुर की बात किया जाए, चाहे दिल्ली की बात किया जाए, हम हर जगह कहीं ना कहीं गौरव ट्रस्ट आगे रहता है। हमने हर जगह पे हमने पहले किया था, ट्रीजीज के लिए सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो कहीं से मिला नहीं। हमने हमारे सोर्सेस लगा के, लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी पहचान से लास्ट ईयर भी राशन बांटे थे, सैनिटाइजिंग किट बांटी थी, और इस साल भी हम लोग ने राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके आगे का प्लान और क्या रहेगा, गौरव का क्या और सामने आगे भी, और हमारा जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने 700 किट बांटी थी, इस बार अभी 600 किट बांट रहे हैं, और अगले महीने में हम 500 किट और बांट रहे हैं। तो ये सिर्फ जैसा कि मैंने आपका कहा, ये LGBTQ पूरी कम्युनिटी के लिए होगा, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल सभी के लिए होगा ये। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि जैसे सबको तकलीफ होती है, वैसे ट्रांसजेंडर्स को और ज़्यादा तकलीफ है। एक तो पहले से डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग परेशान रहते हैं, उसमें ये कोविड के टाइम पे इनकी रोजी बंद है, और उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर वहाँ पे भी उनसे फिर से भेदभाव होके उनको छोड़ के बाकी की कम्युनिटीज़ को हर MLA बोलो या नगर सेवक बोलो सब ने सपोर्ट किया, पर ट्रांसजेंडर को खुल के किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स है कि जब आज हम लोग ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, जिसमें अगर ये लोग कोई स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं या इनके कोई डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, तो हम वो सेक्टर से जाके बात करके इनको प्रोवाइड कराएंगे।